राम राम भैया। हरो बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संग प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हम आओ बुंदेलखंड। तो चलो शुरू कराते हैं बुंदेलखंडी अंदाज में खबरों को सिलसिला। अवैल ओतो पथरिया की विधायक रामबाई खूब चर्चाओं में रहती थी। मानो जाबेर पथरिया पुलिस चर्चा में है। काम को लेके पुलिस बारे आपस में झगड़ रहे हैं जी को वीडियो सुई सामने आओ है। दरअसल जो मामला एक एफआईआर से जुड़ो है। मारपीट के मामले को लेके कछु जने एफआईआर करावे थाने पहुंचे हते। मानो एएसआई ने मामला जा कह के दर्ज नहीं करो कि बड़ो मामला है। कोनो सीनियर ही एफआईआर दर्ज कर है। जय को लेके एसआई और एएसआई की झड़प हो गई। अब मतलब हमने मतलब नहीं पूछी होती अगर आप लोगों से नहीं, नहीं, तो बात अलग। 323 की कर दी ना हम, मैंने तो बोला था ना हम साथ हमें आप, कर रहे आप तो कर आप बता नहीं है हम बोल दे रहे हैं। डाल लो अपनी सुरक्षा से कोई पार बांध कर रखे। नौकरी करने है तो भाई डे लगी है काम करना पड़े। कर रहे साहब काम? हाँ तो कर रहा है तो बताओ। लिखियो वो रिपोर्टर बैठा है लिखिए सुनिए देखिए हम लोग बैठे हैं काम बता दे रहे हैं ना। बताओ भाई बताओ हम कर रहे हैं। हम कह दे साहब आपको सस्पेंड करने जो कछु करने हो तो कर दो साहब। लेकिन जे मतलब दबाव बना के साहब काम मतलब दबाव बना आपसे नहीं पूछ पाए तो आप मतलब जे रिपोर्टर बैठे का इनकी ने सुने हम कल से बैठे साहब तो हमने सुन के आप निर्णय ले दो कि आप कर लो कर दो। अरे आप तो कह रहे हैं ना हम अब कह रहे हैं जब तक ने हाँ तो आप तो कह रहे हैं हम अब करो ना लिखवा नहीं हम अब तो कह रहे हैं हम। ये आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है। इसकी जांच की जाएगी कि मामला क्या है। ये जांच का विषय है। वो आपस में पुलिस अधिकारियों की चर्चा हो रही है। वो जांच में क्लियर हो जाएगी कौन कौन। दमोह में सरकारी दफ्तर में आगे लगवे से सरकारी रिकॉर्ड बढ़ के राख हो गए। आजीविका मिशन कार्यालय में जहाँ आगे लगी हती जैसे ही उतर चपरासी ने धुआं उठत देखो तुरंत अधिकारियों को सूचना दई। मनो जब लो फायर ब्रिगेड पहुंची तब लो पुराने रिकॉर्ड रूम के मुतके कागजात जल गए। जिला पंचायत के अधिकारी को कहबो है कि हो सकत है कि कचरा में चिंगारी होवे से आगे लग गई हो। हालांकि अब सही कारण सामने नहीं आओ है। पुलिस मामला की जाँच कर रहे हैं ओके बाद असलियत सामने आ है। और अभी हम लोग इसका जायजा ले रहे हैं और पुलिस से भी सूचना दी गई है तो वहां से भी आ गए हैं। वो भी अपना निरीक्षण परीक्षण करके अपना निष्कर्ष निकालेंगे। प्राथमिक तौर पे तो ये लग रहा है पीछे आप मतलब ऐसा लग रहा है कि पत्ते वत्ते जलाए गए हैं और उसकी कुछ चिंगारी उड़ के आई होगी खुली खिड़की से अंदर आ गई। और जो जिस रूम में आग लगी है वहां पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ है जो स्कीम बंद हो चुकी है DPIP का उसका पुराना रिकॉर्ड था। वर्तमान रिकॉर्ड में सारा सुरक्षित है वो अन्य कमरों में है तो ऐसी कोई इसमें चिंता वाली या नुकसान वाली बात नहीं है। परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी भी करेंगे उससे फिर वक्त की स्थिति सामने आएगी। बक्सवाहा में अहीर रेजिमेंट बनावे की मांग उठ गई है जी खून लेके यादव समाज ने रैली निकाल के सख्ती प्रदर्शन करो। तहसील कार्यालय पहुंच के समाज के जनों ने ज्ञापन सुई दो। यादव समाज के अध्यक्ष को कहबो है कि जब जब देश पे विपदा आई है हमारे युवाओं ने हमेशा सहयोग करो है। ऐसे रेजिमेंट बनाओ जाए जिसे बच्चा होने देश की सेवा कर सके। संपूर्ण देश में और खासतौर से मध्य प्रदेश में यादव समाज को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से जो है अहीर रेजिमेंट की मांग चल रही है। हमने क्या है देश के लिए शहादत दी है और देश में कई जो बड़ी जो युद्ध हुए उनमें यादव समाज के वीर अहीर सैनिक लगातार शहादत दे। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेली पकवानों को स्वाद लेवे बुंदेली मेला में पहुंचे जिते उनको बुंदेली अंदाज में ही स्वागत भाव। उन्हें हर स्टॉल पे जाके पकवानों को स्वाद चखो और उनकी तारीफ करी। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप ने कही कि बुंदेलखंड के कई प्रकार के व्यंजन अब लगभग खत्म होत जा रहे हैं। जे पुरानी भाईचारे हैं जे खान पान की विरासत को संभाले हैं। बुंदेली उत्सव मेला हम जो मानेंगे कि ये पूरे बुंदेलखंड में दो ही जगह मेला चल रहे हैं। एक है आपके बसारी में दूसरा है हटा में। हटा आपकी बसारी को 24 साल से चल रहा है जो 14 साल से चल रहा है। और हम चाहते कि जीवन ऐसे ही उत्साहवर्धन हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों को करते रहें इसीलिए अपनी और ज़्यादा जो भी छवि है जो भी उनमें हुनर है वे आगे भी लोगों का दिखा सकें।
बीना में गंदगी फैलावे वाले 13 दुकानदारों पर जुर्माना घलो है। नगर पालिका सफाई अभियान चला रही है, जीके तहत साफ सफाई न करवे वालों पर कार्रवाई भई है। लोगों को जागरूक करवे के लाने लगघर समझाइश दई जात है, मनो तो सही आदमी हरकतों से बाज नहीं आए। सीएमओ सुरेखा जाटव ने हिदायत देत भई कई का अगर अब गंदगी दिखानी तो अब जावेर डबल जुर्मानो लगाओ जे। तो भैया हम बुंदेलखंड में आज के लाने बस इतो ही, कल फिर से जय टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है ऐसी बुंदेली खबरों के संग। दियो इजाजत, राम राम।